स्नीटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये पैटर्न लेकर आई हूँ। ये इसका राइट साइड है, ये इसका रॉन्ग साइड। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने 5 × 2। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में और जेंट्स स्वेटर में आप इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। ये इसका राइट साइड है, फर्स्ट रो है। ये देखिए फर्स्ट रो बनाएंगे राइट साइड से। ये हमारा एक फंदा सीधा बनेगा। धागे को अपनी साइड करेंगे, 1, 2, 3 और 4 फंदे हम इसमें उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये जो सीधा फंदा है इस फंदे के बीच में से ऐसे लेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, धागे को हम पीछे करेंगे। सीधा फंदा जो बनेगा वो हमारा इसके बीच में से बनेगा, ये देखिए ऐसे, और इसको निकाल देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे। इसके बीच में से लेना है, ये देखिए इसके बीच में से लेना है, और इसे हम सीधा बना लेंगे। धागे को अपनी साइड करेंगे, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इसके बीच में से लेंगे और इसको सीधा बनाएंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। फर्स्ट रो के फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे सेकंड रो रॉन्ग साइड से। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को हम पीछे करेंगे। अब 4 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। जो फंदे हमने उस साइड में उल्टे बनाए, ये देखिए उल्टे फंदे बनाए थे 4 हमने, तो ये फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाने हैं। धागे को हम अपनी साइड करेंगे। ये वाला जो फंदा जो हमने सीधा बनाया था इस साइड में, इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे जो हमने उस साइड में उल्टे बनाए थे। धागे को अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे, फिर 4 फंदे सीधे, 2, 3 और 4 फंदे सीधे, धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे। जो उस साइड में हमने उल्टे बनाए हैं वो इस साइड हमारे सीधे बनेंगे रॉन्ग साइड में। ये देखिए ये उल्टा फंदा है बनाया ये हमने, ये यहाँ पर हमने सीधा बनाया था, यहाँ पर हमने उल्टा बनाना है, धागे को पीछे करेंगे। अब ये 4 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाए थे, तो ये यहाँ पर 4 फंदे हमने रॉन्ग साइड से सीधा बनाना है। इसी तरीके से सेकेंड रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सेकेंड रो को हमने कंप्लीट कर लिया रॉन्ग साइड से। अब बनाएंगे राइट साइड से थर्ड रो। ये हमारा सीधा फंदा है, इस फंदे को, ये हमारा एच फंदा है, इस फंदे को हमने सीधा बनाया। जो कॉर्नर वाले फंदा उसको हम सीधा बना लेंगे, ये हमारे सिलाई में आ जाएगा। धागे को हम अपनी साइड करेंगे। अब ये हमारे 4 फंदे उल्टे हैं, तो इसमें आगे वाला एक फंदा जो है हम इसमें उल्टा बनाएंगे, धागे को हम पीछे करेंगे। ये जो बीच वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और एक फंदा हम इसमें उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। और ये जो बीच वाले फंदे जो सभी आएंगे इनको हमने हर बार ऐसे ही बनाना है। ये इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर सिलाई को लेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे। अभी हमारे 4 फंदे उल्टे हैं, तो इस 4 फंदों में ये एक फंदा हमारा पहला वाला उल्टा बनेगा, धागे को हम पीछे करेंगे, बीच के ये 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, 1 और 2 फंदे सीधे, ये वाला फंदा हमारा उल्टा बनेगा, धागे को पीछे करेंगे, इसके बीच में से सिलाई को लेंगे और इसको हम सीधा बना लेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे। फिर रिपीट करेंगे, ये वाला फंदा उल्टा बनेगा और एक ये वाला फंदा उल्टा बनेगा, बीच के दोनों फंदे हमने सीधे बनाने हैं। तो ये देखिए एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे, धागे को अपने साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे। फिर रिपीट करेंगे, इसके अंदर से सिलाई को लेंगे, सीधा बनाएंगे, धागे को अपने साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपने साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे, इसके बीच में से सीधा। इसी को इस तरीके से रिपीट रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। एक फंदा हम इसमें उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। ये जो हमारे पीछे की साइड में सीधे फंदे हैं इसको हमने नॉर्मली हमने सीधा बनाना है, तो ये फंदा हमारा यहाँ पर उल्टा है, इस फंदे को हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे।
धागे को अपनी साइड करेंगे। ये दो फंदे जो हमने यहाँ पर सीधे बनाए थे, चार फंदों में बीच वाले फंदे हमने दो सीधे बनाए थे, वो हमारे रॉन्ग साइड में आकर दोनों फंदे उल्टे बन जाएंगे। धागे को पीछे करेंगे, फिर एक फंदा हमने यहाँ पर उल्टा बनाया था, यहाँ पर ये फंदा हमारा सीधा बनेगा। धागा अपनी साइड करेंगे, फिर एक फंदा जो बीच का ये वाला जो हमारा डिज़ाइन आ रहा है, ये फंदा हमारा उल्टा ही बनेगा। धागे को पीछे करेंगे, फिर सीधा धागा अपनी साइड, ये दो फंदे हमने उस साइड सीधे बनाए थे, ये फंदे हमारे दो यहाँ पर उल्टे बनेंगे। धागा पीछे, ये एक फंदा हमने इस साइड उल्टा बनाया तो ये फंदा हमारा यहाँ पर सीधा बनेगा। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे यहाँ पर उल्टे बनेंगे। धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा और दो फंदे उल्टे। ये सिलाई हमारी इसी तरीके से रिपीट होगी। ये देखिए फोर्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ रो को सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट रो को करा था। जैसे ये देखिए, ये हमारा सीधा फंदा बनेगा कॉर्नर वाला। धागे को अपनी साइड करेंगे, चार फंदे हमने उल्टे बनाए थे, ये देखिए चार फंदे हमने उल्टे बनाए। धागे को हम पीछे करेंगे, ये वाले बीच वाले जो फंदे हैं सीधे, ये वाले राइट साइड में जो सीधे फंदे हैं, इन फंदों को आपने इस तरीके से लेना, इसके बीच में से ये आपने ध्यान रखना, ये ऐसे। और रॉन्ग साइड से जैसे हम नॉर्मल सीधा बनाते हैं सेम ऐसे ही बनेगा। चार फंदे अब हम इसमें उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, इसके बीच में से निकालेंगे, सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई सेम ऐसे ही हमने इसको बनाना है, और ऐसे ही फोर्थ रो तक आप बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन इस तरीके से बन जाएगा। बहुत ईजी है, उल्टा सीधा ही है डिज़ाइन, बस ये जो है आप देखकर बनाएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। पीछे से जो आपकी एक रो बन जाएगी तो उसके बाद जो है आपको रिपीट करेंगे तो आप ये डिज़ाइन बहुत आसानी से बना पाएंगे। ये देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।